बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मजेदार चटनी बनाने जा रहे हैं दो तरीकों से। इसके लिए जो मुझे चीजें चाहिए, मैंने 5 ग्रीन चिली ली है, 1 टमाटर लिया है उसको इस तरह चॉप कर लिया है, 1 अनियन लिया है उसको भी चॉप कर लिया है, 2 ग्रीन अनियन है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये पुदीना है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें योगर्ट भी डालूंगी। अब इसमें मैं सारी चीजें डाल के इसको ब्लेंड कर लूंगी। बाद में इसमें धनिया पत्ता डालूंगी। इसमें धनिया डाल दूंगी, वन बंच है ये, इसको मैंने काट लिया था। मैं इसको ब्लेंड करूंगी। वन टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब मेरी चटनी तैयार है। अब मैं दूसरे तरह की बनाऊंगी। अब मैं ये वाली चटनी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 3 अनियन लिए हैं, उसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरह। 9 मैंने ग्रीन चिलीज ली थी उसको मैंने काट लिया है। ये एक बंच था पुदीने का, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें धनिया डालूंगी मैं, ये भी एक बंच है। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का डालूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसको सर्व करूंगी। आप इसको रख सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। ये जो चटनी है ये मैं दही में ज्यादातर डालती हूँ, जब हम चावल वगैरह बनाते हैं उसके साथ जो दही बनाते हैं उसमें डाल के ये बना लेती हूँ। अब मैं इस तरह फ्रीज करूंगी इसको। इस तरह डाल लिया है, अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ये वाली चटनी जो है ये मैं हमेशा दही में यूज करती हूँ, जब दही बनाती हूँ ये वाली चटनी डालती हूँ। इस तरह रख लेती हूँ, जब कभी जल्दी में हूँ तो निकाल के 2 क्यूब्स दही बना लेती हूँ। ये वाली चटनी जो है ये आप पकोड़े के साथ खा सकते हैं या फिर फिश एंड चिप्स के साथ खा सकते हैं, मॉर्निंग में अंडे के साथ भी खा सकते हैं, जिस तरह आप चाहें खा सकते हैं। मैंने नमक मिर्च अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना है आप डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।